हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आप लोग को बढ़िया रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है, अपने लाइफ में खुशहाल रहना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। आज की वीडियो जो है प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को क्या करने वाले हैं, 12th फिजिक्स के 15 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। और ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है झारखंड बोर्ड 15 जुलाई 2024 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 15, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को करना क्या है, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। ये वाला अंतर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, तो इस अंतर को जो है क्या कर लोगे, इस अंतर को जो है पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को कंप्लीट कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए दशमिक अंक पद्धति क्या है, दशमिक अंक पद्धति क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शंट क्या है, शंट क्या है, इसका उपयोग समझाएं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बाबू हर हाल में आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की वीडियो में वही क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके कारण विभव की गणना सामान्य स्थिति आर थीटा में करें। चलिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, बल रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण में कौन से मुख्य बिंदु है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आज के वीडियो में आप लोग को 15 क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या करेंगे बतलाएंगे, 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें, ठीक है, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए रैखिक संवेग का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए रैखिक संवेग का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत कार्य शक्ति शक्ति एवं ऊर्जा के अर्थ समझाएं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है, यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, रीडबर्ग नियतांक क्या है, रीडबर्ग नियतांक क्या है, इसकी इकाई लिखें, ठीक है, रीडबर्ग नियतांक क्या है, इसकी इकाई लिखें, यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं आप सबको मालूम होना चाहिए, 15 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं इस वीडियो में आप लोग को बतला रहे हैं, और वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो जो है स्पेशल जो है झारखंड बोर्ड 15 जुलाई 2024 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है,
एक आदर्श परिनालिका का सप्रेरकत्व प्राप्त करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरबीन में क्या अंतर है। यह भी अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कंप्लीट करके ही एग्जाम देने जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। इस अंतर को भी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये वाला भी अंतर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एम्पियर का नियम क्या है। ठीक है, एम्पियर का नियम क्या है, इस नियम को देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इस ऊर्जा को भी आप लोग क्या कर लोगे, देख लोगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को क्या किए हैं, 15, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या किए हैं इस वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं। और वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग को बतलाए हैं जो आपके फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करके ही एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, चलिए आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो बाबू हमारे चैनल पे नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।